आदरणीय बंधुओं, माताओं वे मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि हनुमान जी को सिंदूर अति प्रिय क्यों है और हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने से कौन कौन सी इच्छा पूरी होती है। वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। वीडियो को शेयर और लाइक भी करें। बंधुओं, मंगलवार का दिन हनुमान जी का दिन कहलाता है। हनुमान जी को मंगलवार अति प्रिय है। यदि मंगलवार को हनुमान जी को उनकी अति प्रिय चीज अर्पित की जाए तो वो सोने पे सुहागा होगा और हनुमान जी शीघ्र ही उस भक्त पर प्रसन्न होकर उसकी मन इच्छा को पूर्ण करते हैं। हम अक्सर हनुमान जी के मंदिर में देखते हैं कि उन्हें सिंदूर अर्पित किया जाता है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि जो भी भक्त अपने किसी भी कार्य पर जाने से पहले यदि हनुमान जी के दाहिने कंधे से सिंदूर लेकर उसका तिलक लगाकर जाए तो उसे अवश्य ही अपने कार्य में सफलता मिलती है। हनुमान जी को सिंदूर इतना प्रिय क्यों है, इसके पीछे एक प्राचीन कथा का उल्लेख मिलता है। कहते हैं एक बार हनुमान जी किसी कार्य के वशीभूत होकर माता सीता के कक्ष में गए। वहां उन्होंने देखा कि माता अपनी मांग में एक लाल रंग का द्रव्य भर रही हैं। उन्हें ऐसा करता देखकर हनुमान जी ने अपनी जिज्ञासा व्यक्त करते हुए उनसे पूछा, माँ आप अपनी मांग में ये क्या लगा रही हैं? हनुमान जी की बात का उत्तर देते हुए सीता जी ने कहा, पुत्र यह मंगल का सूचक सिंदूर है। इसको लगाने से मेरे स्वामी श्री राम दीर्घायु होंगे और मुझ पर हमेशा प्रसन्न रहेंगे। सीता जी यह कहकर चली गई, पर हनुमान जी ठहरे राम भक्त। उन्होंने सोचा कि एक चुटकी सिंदूर मेरे प्रभु की दीर्घायु कर सकता है, तो यदि मैं अपने पूरे शरीर पर सिंदूर धारण कर लूं तो मेरे स्वामी अमर हो जाएंगे और मुझ पर प्रसन्न रहेंगे। जैसा हनुमान जी ने सोचा वो कर दिखाया और अपने सारे शरीर पर सिंदूर लगाकर पहुंच गए राम दरबार में। सब उन्हें देखकर हंसने लगे। राम जी भी मुस्कुराए और ऐसा करने का कारण पूछा। हनुमान जी ने सारी घटना राम जी को बता दी। राम जी बहुत प्रसन्न हुए और हनुमान जी के सरल भाव पर मुग्ध होकर उन्होंने यह घोषणा की कि जो भी मंगलवार के दिन मेरे प्रिय हनुमान जी को चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर चढ़ाएंगे तो वो मेरी प्रियता को पाएंगे और उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तब से हनुमान जी ने सिंदूर धारण करना शुरू कर दिया और तब से ही हनुमान भक्त भी भगवान राम और हनुमान जी की कृपा प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए चमेली के तेल में सिंदूर घोलकर हनुमान जी के सारे शरीर पर मलते हैं। इसे हनुमान जी को चोला चढ़ाना भी कहते हैं। हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाना जीवनदायिनी बूटी के समान है, जिसको चढ़ाने से शारीरिक रूप से निर्बल व्यक्ति में भी ऊर्जा का संचार होता है और वह पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाता है। इसलिए हम सब हनुमान जी को तेल सिंदूर अर्पित कर अपनी प्रत्येक इच्छा की पूर्ति के लिए उनसे प्रार्थना करें और अपने लिए उनसे बल, बुद्धि और विद्या मांगें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।